एक साल में क्या कंट्रोल करा 21-22 में 800 करे 800 एक गली में 800 कुत्ता गुलमर्ग नॉर्थ में ले नसबंदी करने के बाद में कुत्तों की तादाद कम होना ये बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। गुलमर्ग 100 एमएलए मुर्दाबाद के रास्ते आदमी जान से जा रहे हैं उसका कोई बोले शरण करो शरण करो। This video presented by Manur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. तो मैं ये ताकीद करूँ, ये वार्निंग दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो कुत्ते काटने का जो इशू है और कई सारे जो गुलबर्ग में इंसिडेंट हुए वैसे लोगों को अभी तक कंपनसेशन तक नहीं मिला, अभी तक कंपनसेशन। और ऐसे कमिश्नर को बीइंग है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, आप इतने स्ट्रिक्ट मूवमेंट ले रहे हैं, आप गुलबर्ग के ऊपर तवज्जो नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, चितापुर में सबसे ज्यादा डॉग बाइट केस है। आप यकीन नहीं है तो सर्वे आप देख सकते हैं, मेमोरेंडम का कॉपी आपको दे सकते हो। चितापुर में सबसे ज्यादा डॉग बाइट केस है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का क्षेत्र है वहां पर। तो मैं आप लोगों से, मैं आवाम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि ये चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाओ, जनता परिवार का साथ दो, हम आप लोगों के लिए ठहरे हुए हैं। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से और डिप्टी कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि ये कमिश्नर पिछले 2 साल से यहां पर गुलबर्गा में है और उनके तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आवाम के लिए। वार्डों में देखिए वही गंदगी मिल रही है आपको, जानवरों का वही इशू है यहाँ पर। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम लोग 1-2 साल पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर। ताजुब की बात है कि हिंदुस्तान का ये ऐसा कानून है जानवरों को लेके कि स्ट्रीट वेंडर अगर स्ट्रीट पे ठहर कर कारोबार करेंगे और अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए उन्हें जिद्दोजहद करेगा तो वो क्राइम है। मगर वही जानवर स्ट्रीट पर रहेगा और उसको अगर कोई मारेगा, लात भी मारेगा तो अब वो कानून में आएगा, वो क्राइम है वो। तो ये चीज़ों को हमको बदलना है, चीज़ों को बदलने के लिए हम सबको मुतहद होकर हमको लड़ना चाहिए और ऐसे नाकारा कॉरपोरेशन कमिश्नर को यहाँ से निकालना है। ओके, आज 16 जुलाई को जनता परिवार की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने। डिप्टी कमिश्नर साहब आके मेमोरेंडम लिए हैं। जनता परिवार का ये कहना है कि अगर स्ट्रीट डॉग्स को अगर यहाँ से गुलबर्गा से कम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जो 30 को मेयर इलेक्शन है टाउन हॉल पे, वो लोग पूरे धरना देने वाले हैं और हम जनता परिवार के साथ हैं। कांग्रेस ये कोई पार्टी का वर्ड नहीं है, ये हम सब मिलके काम करना है, चाहे जेडीएस पार्टी हो या चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता परिवार एक ये हो या एसजीपीआई हो, कि गुलबर्गे को शहर में डॉग्स को कम करना है। क्योंकि एक एरिया का मामला नहीं है, पूरे गुलबर्गा शहर का मामला है, पूरे कर्नाटक का मामला है, पूरे इंडिया लेवल में ये जो चल रहा है, जो मीनिका गांधी रोलिंग लाई है स्ट्रीट डॉग्स को नहीं पकड़ना नहीं ये करना बोल के, आज उनके वजह से आज गुलबर्गा शहर में इंसान से ज़्यादा कुत्ते हुए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से, अगर बिफोर 30 अगर इसके ऊपर फॉलोअप नहीं होगा तो फिर हम जनता परिवार के साथ खेलेंगे। कोई भी तंजीम हो, एसडीपीआई हो, कांग्रेस हो, अगर 30 को वो लोग अगर प्रोटेस्ट करें तो और मैं उनके साथ हूँ भरपूर चढ़ के, जो होता होने देंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ खेलेंगे। मैं सिराज शाब्दी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एक मूवमेंट हर टाइम देखता हूँ कि मूवमेंट्स लेके निकलते हैं। आज जो जनता परिवार की तरफ से सिटी कॉरपोरेशन के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया गया है, वो प्रोटेस्ट में ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, और खुशी इस बात की है कि बहैसियत चेयरमैन हमारे साजिद कल्याणी साहब भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और जो हंगामा यहाँ पर हुआ, थोड़ा सा हंगामा यहाँ पर होने के बाद में पहले हेल्थ ऑफिसर को भेजा गया था, फिर जब हंगामा हुआ तो खुद डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आकर हमारा मेमोरेंडम लिए है जाधव साहब। और जो लोग नहीं जानते हैं, जाधव साहब इस कॉरपोरेशन की रीढ़ माने जाते हैं और उन्हीं को मेमोरेंडम दिया गया है। और ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि 30 तारीख से पहले पहले जो इश्यूज़ कुत्तों के काटने की वजह से पैदा हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, उसमें कई सारे लोग हर दिन जख्मी हो रहे हैं। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दिन एक कुत्ते काटने का एक इंसिडेंट हो रहा है। जो हमें पता चला है कि तकरीबन 5-6 साल से स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ था, अब वो कह रहे हैं कि हम लोग इमिडिएटली उसको स्टार्ट करेंगे।
पर आपके सामने मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ कि स्टरलाइजेशन की वजह से कुत्ते काटने के इंसिडेंट्स कम नहीं होने वाले हैं। उसके लिए ज़रूरी ये बात ज़रूरत इस बात की है कि उनको शहर से बाहर रखा जाए। जितने भी स्टेरलाइज डॉग है उनको वहीं का वहीं छोड़ने का ये कानून बताते हैं, उसके बजाय उनको एक शेल्टर में रखा जाए। उसके लिए एक अलग से फंड जनरेट किया जाए और उनको शेल्टर में रखा जाए, क्योंकि एक कानून बना हुआ है, एक ऐसा कानून है जिसके अंदर अगर कुत्ता हमला करता है इंसान पे तो इंसान उसके खिलाफ में कुछ नहीं कर पाता है। ये बड़ी अजीब सी कशमकश वाली बात है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर सही से काम नहीं कर पा रहा है इस कानून की वजह से। मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे प्रोटेस्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादा तादाद में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। हकीकत ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ हो, खास करके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के खिलाफ में कोई प्रोटेस्ट में आवाज़ ना उठे। इसके लिए प्रोटेस्टों के ताल्लुक से पुलिस को खास करके हिदायत दी गई है कि कोई भी प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल ना करने के लिए आप जो इकदाम उठा सकते हैं वो इकदाम उठाएं। अगर प्रोटेस्ट के लिए परमिशन भी दे रहे हैं तो उनको पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने का काम ना होने दें। इसीलिए ये हो रहा है कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लोग ज़्यादा तादाद में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है। हम लोग 30 तारीख के दिन, अगर हम लोगों को इनके इकदाम पसंद नहीं आते हैं, जो सही तरीके से करना है वो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मेयर इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन के दौरान हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये मसला बहुत सीरियस है, ये छोटे मासूम बच्चों की जानों को जो खतरा पैदा हो रहा है कुत्तों की वजह से, कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही है कॉर्पोरेशन कमिश्नर की तरफ से रहने, MLA मैडम की तरफ से रहने, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की तरफ से रहने। ये और हमारे एरिया कॉर्पोरेटर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने वार्ड में किस तरीके से जो कुत्तों के हादसे हो रहे हैं उनको रोकने में उनकी भी कोशिश होनी चाहिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।